ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, यूथ धक्का खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, यूथ ने नौकरी खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, यूथ नौकरी खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, यूथ नौकरी खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, मर गया कैप्टन, हाय हाय, करो सियापा, हाय हाय, मुर्दाबाद, यूपी नौकरी खाने सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, यूपी नौकरी, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, मर गया कैप्टन, हाय हाय, हाय हाय, मर गया कैप्टन, हाय हाय, करो सियापा, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, राजकुमार वेरका मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राजकुमार वेरका मुर्दाबाद, यूपी नौकरी वाले सरकार मुर्दाबाद, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, चौधरी सरकार मुर्दाबाद, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद। सर अपना नाम बता के और किस जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी मेरा नाम हर्षित खेड़ा है, जिला जॉइंट सकत्तर यूथ विंग। तो आप अज जो प्रोटेस्ट किया, आप हूँ राजकुमार वेरका के घर के बाहर आप डिग्रियां साड़ांगे, क्योंकि साडा जिहड़ा यूथ है वह धक्के खा रहा। बारहवीं तो बाद ही बच्चे सोचते आप कितने फॉरन भज जाइए या आप पंजाब तो बाहर निकल जाइए, तो ये बड़ा गलत माहौल साढ़े पंजाब दे विच क्रिएट किया गया है। तो अज असी नौजवानों के हक वास्ते खड़े हाँ ताकि उन्होंने उन्हों का हक मिले, उन्होंने नौकरियां मिलन डिग्री कंप्लीट करन तो बाद। पूरे पंजाब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि कल अमृतसर से किया जा रहा है? पूरे पंजाब दे विच प्रोटेस्ट होया जी है, क्योंकि जिहड़ा कैप्टन सरकार ने अपने चहीतिया नू प्रताप सिंह बाजवा दे अपने की कहिंदे आ भतीजिया नू जिहड़े उन्होंने नौकरियां दित्तियां है उहदे खिलाफ अज असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सियासतदानां दे रिश्तेदारां नू नौकरियां दे रहे हो पर साडा जिहड़ा यूथ है वह इदां धक्के खा रहा है, तो किस तरह का इंसाफ है? असी इंसाफ मंगन आए हैं, असी अपना हक मंगन आए हैं। अज तुसी वैक्सीन देख लो, वैक्सीन साढ़े हस्पतालों में मुकी हुई है, गवर्नमेंट हस्पतालों में जिहड़ी फ्री दे विच जनता नू मिलनी चाहिए सी, अज वह 1500 नू लोकी लै रहे हैं। तो किस तरह का सिस्टम क्रिएट, ना पंजाब सरकार ये खिलाफ़ आवाज़ चुक रही है मोदी सरकार के खिलाफ कि वैक्सीन मुकी हुई है। हाय सर अपना नाम बता के और किस जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहा है, क्या कर रहे हैं? हिंदी बोला खलो जी, बता दो हिंदी बोला, हिंदी बोला। आज हम पंजाब के आम नागरिक और पंजाब का आम युवा आज कैप्टन सरकार को ये सवाल करने आए हैं कि 2017 में आम आदमी जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो एक उन्होंने नारा दिया था कि घर घर नौकरी देंगे, लेकिन वो आज नौकरियां जो आपके पीछे ये घर है, ये एमएलए का विधायक का घर है, आज ये नौकरियां इन विधायकों के घर पे मिल रही हैं। आज कैप्टन साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आपकी सरकार मेजोरिटी में है, सिर्फ 6 महीने की बात है, आज अगर इन विधायकों और मंत्रियों के बेटों को आप कुर्सियों पर बिठाते हैं 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और इन एमएलए के बेटों को कुर्सियों से उतार के जो आम घरों के युवा जो डिग्रियों के साथ सड़कों पर हैं उनको कुर्सियों पर बिठाया जाएगा और आम लोगों का हक आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आज किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे, क्या करेंगे आज? सर प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं कि देखिए, ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि कांग्रेस और अकाली दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब अकाली दल की सरकार में कांग्रेस वाले उनके घर में प्रोटेस्ट करने जाते थे और बादल सरकार उनके लिए रेड कारपेट बिछाती थी, कॉफी मशीनें लगाती थी, और दूसरी तरफ आज जब आम नागरिक, मैं भी हल्का पश्चिमी का एक नागरिक हूँ, इसी एमएलए को वोट दे के हमारे लोगों ने जिताया था, लेकिन आज जब हम दूसरी बार इसके घर पे आए हैं यहाँ पे ताला लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से इस विधायक को बताना चाहूँगा कि ये ताला सिर्फ 6 महीने के लिए है, उसके बाद ताला चाहे अपने बेडरूम को लगा के सो जाना, 5 साल के लिए ये हल्का पश्चिमी के लोग जो आम आदमी पार्टी का विधायक चुन के ये कांग्रेस का जो हंकारी घमंड से भरा हुआ विधायक है उसको घर बिठाने जा रहे हैं।
सर क्या करेंगे इन डिग्रियों का, जब इन डिग्रियों पर नौकरियां सिर्फ विधायकों और मंत्रियों के बेटों को मिलनी है, और इन डिग्रियों का अचार डालेगा? अचार भी कहाँ डालेंगे, मोदी सरकार ने बोला था घर घर जो है पकौड़े तलो, और आज जो सरसों का तेल 200 रुपए किलो हो गया, वो डिग्रियों के तो पकौड़े भी नहीं बनेंगे, वो डिग्रियां साड़ के आज इनको कम से कम ये बताने आए हैं कि शर्म से नाक डूब के मर जाओ कि तुम्हारे इलाके के ये लोग, तुम्हारे हल्के के ये लोग जिन्होंने तुम्हें वोटें दे के जिताया है, आज तुम्हारे घर पे आए लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ है। ये डॉक्टर राजकुमार विधायक जो हल्का पश्चिमी से है, 1.5 साल से ये लोग घर से नहीं निकले, और कहते हैं ना कि आखिरी जब इनको लगा कि अब हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है, आज 2500-2500 रुपया बांटने निकले हुए हैं हल्का पश्चिमी में। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये विधायक जो एक टाइम की 2500 रुपये की थाली रोटी की खाता है, वो 2500-2500 की खैरात बांटने निकला है। डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूँगा, ये जो लोग, ये मेरे पीछे खड़े जो लोग हैं, हम लोग सरकार में नहीं थे, हम आम घरों के लोग हैं, और फिर भी हमने अपने एक टाइम की रोटी, अपना पेट काट के लोगों को राशन दिया, लेकिन तुम जो 2.5-2.5 लाख रुपया इन लोगों के खून पसीने के टैक्स की कमाई से जो तनख्वाहें ले रहे हो, तुम 1.5 साल से घर से नहीं निकले, लेकिन अभी कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा, सिर्फ 6 महीने की बात है, लोग कांग्रेस की सरकार को अलविदा बोल के 117 हलकों में एक एक हलके से आवाज़ आएगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और युवाओं को शक्ति मिलेगी। मेरा नाम भगवंत सिंह कंवल है, जिला यूथ प्रेजिडेंट अमृतसर। अज असी इतने एकत्र हुए हैं राजकुमार साहब की कोठी के बाहर, सानू पुलिस ने रोकया इतने, बट असी देखते हैं गेट तो किदा लंघना। असी अज इतने एकत्र हुए हैं जिहड़ा कैप्टन सरकार ने अपने चहेतियां नू, अपने मंत्रियों के, अपने MLA के रिश्तेदारों नू नौकरियां दित्तियां है, तो यूथ जिहड़ा वो बेचारा टैंकियां ते चढ़िया पिया है, कहिंदे तरस दे आधार ते दित्तियां ने, जिन्हां ते तरस खाना चाहिदा सी उन्हां ते तरस नहीं खा रहे, और जिहड़े कई सालों तो सत्ता भोग रहे ने उन्होंने उन्होंने नौकरी दी अगेंस्ट अज असी सारा अमृतसर का यूथ इतने इकट्ठा होया है। असी जी हुण इतने डिग्रियां साड़ांगे अपनियां, जिन्हें भी यूथ आए असी अपनियां डिग्रियां साड़ के ते इन्हां नूं दसांगे भी जे तुसीं सानूं नौकरियां नहीं देनियां तां असी इन्हां डिग्रियां दा की फायदा सानूं, तुसीं नौकरियां ते अपने उन्हां चेतियां नूं देनियां ने, अपने कंपनी दे जिहड़े इन्हां दे नाल दे इंप्लाई ने। मैं कंपनी तां वर्ड यूज़ किया क्योंकि कंपनी जिहड़ी हुंदी उह सिर्फ अपना फायदा सोचदी आ, जिहड़ी सरकार हुंदी आ उह जनता दा फायदा सोचदी आ। जनता ते टैंकियां ते चढ़ी पई आ, जनता ते नहरां छालां मारदी पई आ, ये बेचारे जिहड़े सरकार दे जिहड़े यूथ जिहड़े बेचारे नौकरियां जिन्हां लोड़ आ सड़कां दे तक्के खा रहे, नौकरियां जिहड़ियां MLA ते मंत्रियां दे रिश्तेदारां नूं मिलदियां।